हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वुमनिया पे। और आज हम डिस्कस करेंगे कि सरकार बनती कैसे है, यानी हाउ द गवर्नमेंट इज मेड। सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी सरकार को बनाने का, यानी भारत में अगर किसी भी सरकार को बनाना है या कोई भी सरकार बनेगी तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा ना? सबसे पहला स्टेप होगा यानी कि हर एक स्टेट से जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेलेक्ट किया जाता है। यानी कुल मिला के जैसे यूपी है तो यूपी से 80 सीट्स जो है वो बेसिकली होती है। रही बात अगर ऐसे दिल्ली की बात करें, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपकी सेलेक्ट की जाती है, जैसे यूपी से 80 सीट्स जो है वो है, जैसे दिल्ली से आपकी कुल मिला के 7 सीटें जो है वो ओवरऑल है। यानी कुल मिला के बात यह है कि सबसे पहला स्टेप होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती है उनको हर स्टेट से जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पारित किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती है वो फॉर्म होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा स्टेप आता है जब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मेंबर्स है वो नियुक्त किए जाते हैं। यानी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने अपने मेंबर्स को खड़ा करती है। जैसे कि मान लीजिए एक मंडी की सीट है, तो मंडी की सीट से मंडी हिमाचल प्रदेश में है। अब यहाँ से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट को खड़ा करा, दैट इज कंगना रनौत। वहीं कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा करा, दैट इज विक्रमादित्य। ठीक है, सेम वे अमेठी की सीट है, अमेठी की, ठीक है, तो अमेठी में भी अब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा करा, ठीक है, दैट इज स्मृति ईरानी। कांग्रेस ने अपना करा किशोरी लाल, तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने किसी और को करा। कुल मिला के बात यह है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने अपने जो एक एक ओवरऑल लीडर हैं उनको अपॉइंट करती हैं, ठीक है, उनको नियुक्त करती हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं और क्या होता है फिर, वोटिंग बाय द पीपल। अब जिस दिन वोट देने का दिन होता है तो लोग जो है वोटिंग करते हैं। अब जो वोटिंग होती है 18 वर्ष के ऊपर की जो आयु होती है सिर्फ वही लोग वोट डाल सकते हैं, ठीक है। पहले जब संविधान बना था ये आयु 21 वर्ष थी, बट 61st अमेंडमेंट एक्ट के दौरान इसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। यानी 18 वर्ष जो है वो एक राइट एज है, दैट इज राइट टू वोट। आपका जो वोटिंग का अधिकार है वो आपको मिल जाता है। अब उसके बाद वोटिंग होती है तो होती कहाँ पे है? देखिए, वोटिंग होती है आपकी ईवीएम और वीवीपैट। अभी अपने आप में जो है बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, दरअसल बहुत बदनाम भी है। कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये कहती है कि ईवीएम यानी इलेक्टोरेट वोटिंग मशीन एंड वीवीपैट जो है ये अपने आप में करप्ट सिस्टम है, बट जो इस बार का इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसने इन दोनों को जो है एकदम शरीफ प्रूफ कर दिया है। ये प्रूफ कर दिया है कि ईवीएम वीवीपैट इलेक्शन कमीशन बिकाऊ नहीं है और ये अपने आप में ट्रांसपेरेंट है। यानी भारत में जो इलेक्शन होते हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होते हैं, तो लोग जो है वो वोटिंग करते हैं, ईवीएम वीवीपैट में वोट डालते हैं, ईवीएम पे बटन दबाते हैं और इसी के साथ वो जो बटन दबाते हैं उसके बाद वो प्रिंट हो जाती है वोट, एक तरीके से वेरीफाई हो जाती है वोट वीवीपैट के द्वारा। तो ईवीएम को वेरीफाई करता है वीवीपैट, ठीक है। तो ईवीएम का क्या काम होता है, ईवीएम वोट को डालता है, यानी जो लोग जब वोट करने जाते हैं तो बटन दबाते हैं, वो ईवीएम में दबाते हैं, पर उसको वेरीफाई कौन करता है, उसको वेरीफाई करता है वीवीपैट। अब वोटिंग दे दिया फाइनली मैम, अब क्या होगा, ठीक है, वोटिंग दे दिया, अब आएगा फाइनली रिजल्ट का दिन। रिजल्ट के दिन से पहले एग्जिट पोल आता है। एग्जिट पोल जो है वो आंकड़े बताता है कि इस बार का रिजल्ट का जो एक कह सकते हो कि अवलंकन जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो इस बार के एग्जिट पोल, हालांकि एग्जिट पोल जो है वो बहुत ज्यादा अलग आया था। एग्जिट पोल के अनुसार माना जा रहा था कि बीजेपी को 405 सीट्स मिलेंगी, ये जो बीजेपी का वादा है इस बार 405 वो पूरा हो जाएगा, पर जब हमने कल रिजल्ट देखा तो वो तो कुछ और ही कह रहा था। 400 छोड़िए, 300 भी पार नहीं हो पाई, 300 छोड़िए मेजोरिटी भी नहीं मिल पाई। कुल मिला के बात यह है कि एग्जिट पोल से बहुत अलग था एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट के दिन से पहले, जस्ट उसके पहले बात आती है एग्जिट पोल की, ठीक है। बट इस एग्जिट पोल ने जो है इस बार काम को खराब कर दिया है। दरअसल इस एग्जिट पोल की वजह से भी जो शेयर मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि एग्जिट पोल का कुछ अलग मानना था जबकि रिजल्ट जो है वो बिल्कुल विपरीत आए हैं। ये मानिए इस दिन दोनों में इतनी ज्यादा असमानता थी कि बिल्कुल ही तुलना के बराबर नहीं था। अब
इस बार जो हुआ है वो हुआ क्या है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत वोट नहीं मिली है, मेजोरिटी वोट नहीं मिली है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई और पॉलिटिकल पार्टी, किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली है। जहां बीजेपी 240 पर सिमट के रह गई तो वहीं कांग्रेस 99 पे सिमट के रह गई। कुल मिला के जो वोट करने, कुल मिला के जो सरकार बनाने के लिए किसी भी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी को जितनी सीट चाहिए होती है वो है 275 सीट। तो ये तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। तो आप बोलेंगे मैम सरकार कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा? दरअसल अगर ऐसी सिचुएशन होती है जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, ठीक है, जो है वो एग्जैक्ट सीट्स नहीं है जितनी चाहिए, दैट इज 275 जो सरकार बनाने के लिए चाहिए, उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में बेसिकली आप ये कह सकते हो कि आपका, आप ये कह सकते हो कि वो जो स्थिति होती है उस स्थिति में जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अकेले इंडिविजुअली सरकार नहीं बनाती है, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अकेले इंडिविजुअली सरकार नहीं बनाती है। उस कंडीशन में गठबंधन की जो सरकार है एक तरीके से वो आपको देखने को मिलती है। गठबंधन की सरकार यानी कि दो से तीन पॉलिटिकल पार्टी मिलके जो है वो सरकार बनाती है। जैसे कि इस बार की जो कहा जा रहा है जो किंग मेकर्स है वो है चंद्रबाबू नायडू और साथ में नवीन पटनायक, ठीक है, नवीन पटनायक नहीं नीतीश कुमार, ठीक है। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है वो एक तरीके से किंग मेकर का रोल निभाएंगे। तो क्या कहा जा रहा है कि जो एनडीए अलायंस है क्या ये दोनों उसका साथ देंगे या इंडिया का साथ देंगे, ठीक है। सो क्या बीजेपी की सरकार बनेगी, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो अपना कार्यकाल की शुरुआत करेंगे, तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करेंगे, या इस बार का प्रधानमंत्री बनेगा तो बनेगा कौन? बट ये साफ तौर पे है कि गठबंधन की सरकार बनेगी, कोलिजन की सरकार बनेगी। रीजन भी क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 275 वोट्स नहीं आए हैं जो एक आइडियल वोट है। सरकार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इंडिपेंडेंटली सरकार बना सकती है, ठीक है। तो कुल मिला के गठबंधन की सरकार जो है वो यहाँ पे होगी। अब होगा क्या कि अभी जो है जैसे आप देख रहे हो तो सभी लोग जो है एक तरीके से गठबंधन कर रहे हैं कि कौन किसका साथ देगा। बट उसके बाद जो प्रेसिडेंट है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी वो जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएंगी। अब सबसे पहले किस पॉलिटिकल पार्टी को बुलाएंगी? जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज्यादा हाइएस्ट वोट शेयरिंग है, हाइएस्ट वोट शेयरिंग है यानी बीजेपी, वो सबसे पहले बुलाएंगी बीजेपी को। तो सबसे पहले बीजेपी को बुलाया जाएगा। और बीजेपी को बुलाने के बाद क्यों? क्योंकि उनका जो वोटिंग शेयर था, ठीक है, उन्हें जो वोट मिला है वो 240 वोट मिला है जो कि किसी भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा है। तो सबसे पहले जो आपके द्रौपदी मुर्मू है वो बीजेपी को बुलाएंगी, 240 वोट्स हैं उनके, और कहेंगी कि क्या आप जो है वो सरकार बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो अपना जो वोट है उसको प्रूफ कीजिए, यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को प्रूफ कीजिए। अगर बीजेपी ने प्रूफ कर दिया यानी 275 वोट्स वो लेकर आ गए अपने साथ, तो यहाँ पे सरकार आप बीजेपी की बनते हुए देखोगे और प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल की शुरुआत होते हुए देखोगे। पर अगर बीजेपी ऐसा नहीं कर पाई तब जो द्रौपदी मुर्मू है हमारी राष्ट्रपति वो कांग्रेस को एक मौका देंगी कि आइए, क्योंकि ये सेकेंड हाईएस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिली है 99 वोट, तो कांग्रेस के पास जो है फिर जाएगा कमान जाएगी। और अगर कांग्रेस भी प्रूफ नहीं कर पाई मेजोरिटी उस केस में, द्रौपदी मुर्मू के पास जो है वो ओवरऑल एक पावर है कि वापस से इलेक्शन करवा सकती है, हालांकि इसके चांस बहुत ज्यादा कम है। दोनों में से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अनुमानित तौर पर सरकार बना लेगी, ठीक है। और चांसेस तो ये है कि 99.9% बीजेपी ही सरकार बनाएगी और मोदी जी का तीसरा कार्यकाल जो है उसकी शुरुआत होते हुए आप यहाँ पे देखेंगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, राइट। और उसके बाद फाइनली आपके पीएम बन जाएंगे और वो पीएम ओथ लेंगे और आपके जो है यहाँ पे ओवरऑल इस तरीके से सरकार बनती है। देखिए पीएम नियुक्त जो है वो इनडायरेक्टली होते हैं, जनता डायरेक्टली पीएम को नियुक्त नहीं करती है, जनता वो डायरेक्टली एमएलएस को नियुक्त करती है। फिर अब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलती है उसके जो लीडर होते हैं बस वही प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री का जो पद है हमारे भारत में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण पद जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो आई होप दैट सरकार किस तरीके से बनती है
है, सिचुएशन कैसे अटकेगी कैसे नहीं अटकेगी, ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है आपको क्लियरली मिल गई है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इसी तरीके की वीडियोस बिल्कुल सिंपल भाषा में एक्सप्लेन मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए वुमनिया चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आपको जो है बराबर के शेयर और लाइक भी करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।